हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच अटैकर्स पोकेमॉन यूनाइट में जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। वैसे तो सारे अटैकर्स के अपनी अलग अलग बात है, लेकिन मैं आज मैं फाइव बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वैसे मैं आपको बता दूँ, कल आपको ड्रैगनाइट देखने को मिल सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे हिसाब से ड्रैगनाइट कल ही आएगा 5, 5:30 बजे के आसपास। 5:30 PM को आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो नंबर फाइव पे जो पोकेमॉन आता है टैकल्स में से, वो है गार्डियोवाल। गार्डियोवाल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोकेमॉन भी है। इसके जो अटैक हैं वो बहुत डैमेजेबल हैं, जिसके अटैक्स बहुत ही आसानी से किसी को भी मार सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी पावरफुल पोकेमॉन है। अब चलिए बढ़ते नंबर फाइव की तरफ। नंबर फोर पे जो पोकेमॉन आता है वो है अलोन नाइनटेल्स। अलोन नाइनटेल्स भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होती है और इसकी मूव भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये किसी को भी जमा देती है, जिससे इसको बहुत सारा एडवांटेज मिल जाता है। और ये लॉन्ग रेंज की भी पोकेमॉन है। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो पड़ता है वो है ब्लिज़र्ड और एवलेंस का। मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, आप भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया करो। अब चलिए गाइस, बढ़ते नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री, क्रैमोरेंट। अब गाइस, आप सोचोगे कि क्रैमोरेंट नंबर थ्री पे कैसे आ सकते हैं। नंबर थ्री पे क्रैमोरेंट किसी वजह से आ सकता है। ये अपनी टीम को बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी दे देता है। इससे बहुत सारे लोग बच के नहीं जा पाते, और उसका यूनाइट मूव तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये आपको कहोगे कि आपकी जाने देखने को मिलता नहीं है किसी भी, बहुत ही कम लोग का पास आपको क्रैमोरेंट देखने को मिलता है। लेकिन जब आप मास्टर अल्ट्रा पे आ जाओगे तो आपको क्रैमोरेंट बहुत सारे लोगों के पास देखने को मिल जाएगा, जब आप टीम बैटल खेल रहे होगे। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते नंबर टू की तरफ। नंबर टू पे आएगा फिनरेंस। फिनरेंस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, और ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन भी है पोकेमॉन यूनाइट में। और इसकी बेस्ट मूव की कॉम्बिनेशन है पायरो बॉल और फ्लेम चार्ज। मैं इसके साथ टैक्स स्पीड यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन भी है। अब मैं बात कर लेता हूँ नंबर वन पे जो पोकेमॉन आता है वो है ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन अटैक्स का जो कि है डबल टीम और वाटर शुरिकेन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अटैकर है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर आप मेरी आईडी भी देख सकते हो, मैं अभी वर्ल्ड मास्टर पे हूँ। आज चाहे तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतने। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने बैंक को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।